शंकर सिंह वाघेला को यह खबर लग गई थी कि बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े का इंतजाम कर लिया है। उन्हें यह पता लग गया था कि आत्माराम पटेल 17 विधायकों के साथ केशुभाई पटेल से मुलाकात कर चुके हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये दांव खेला। सरकार वहां पर गिर गई और बीजेपी की सरकार बन नहीं पाई, लेकिन आने वाले चुनावों में शंकर सिंह वाघेला का यह दांव उल्टा पड़ने वाला था। शंकर सिंह वाघेला ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया। हालांकि इसके बाद गुजरात में बहुत कुछ बदला। जब 1998 के विधानसभा चुनाव आए, तब तक केशुभाई पटेल के सामने उनकी पार्टी के भीतर कोई चुनौती नहीं थी। केशुभाई की आवाज पर जनता खींची चली गई। बीजेपी ने इन चुनावों में 182 में से 117 सीटों पर अपना परचम लहराया। कांग्रेस को 60 सीटें मिली। 4 मार्च 1998 को केशुभाई ने दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। ऐसा लग रहा था जीत के बाद बीजेपी के अंदर की कड़वाहटें भी छूमंतर हो गईं। लेकिन केशुभाई पटेल का ये कार्यकाल अलग तरह का इम्तिहान बनकर आया। सत्ता संभालने के 3 महीने बाद ही 1 जून 1998 को गुजरात का सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला भयंकर तूफान की चपेट में आया। इसके बाद 1999 और 2000 में लगातार 2 साल सौराष्ट्र और कच्छ में भयंकर सूखा पड़ा। इससे भी बड़ी तबाही 26 जनवरी 2001 को भुज में आई। 7.7 तीव्रता वाला भूकंप आया, जैसे पूरा शहर जमींदोज हो गया। केशुभाई पटेल के बारे में ये कहा जाता है कि जब ये सिंचाई मंत्री रहे, तब वहां पर कांडला कांड हुआ, उसके बाद मुराबी बांध वो टूटा जिसमें हजारों लोग मरे, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद 2000 में सूखा पड़ा और 2001 में जो है वो भूकंप आया। तो केशुभाई पटेल को जो है वो वहां के गुजरात में उनको ये संज्ञा दी गई कि ये आपदा महासंकट के प्रतीक हैं। तो जितनी भी आपदाएं आई, और ये बात सही है कि गुजरात में जो बड़ी बड़ी आपदाएं आई, ये संयोग कह लीजिए या उनका दुर्भाग्य कह लीजिए, कि उनके कार्यकाल में आई। वास्तव में टीवी वालों को भी उकसा उकसा करके, वो जब भूकंप आया था, जाओ वहां काम होता नहीं, ये नहीं होता। मैं जब राज्यसभा का सदस्य था तो 3-4 टीवी वाले ने मुझे बताया, कहा भी कि हमको भेजते थे वहां पर, तो उकसाया लोगों को, ये क्या। राहत बचाव में तत्कालीन सरकार की ढिलाई का असर ये हुआ कि गुजरात में हुए 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव बीजेपी हार गई। रही सही कसर स्थानीय निकाय चुनावों ने पूरी कर दी। यहाँ भी बीजेपी बुरी तरह हारी। बीजेपी के लिए संकट साफ साफ नजर आ रहा था।